देखिए बेटा, दो चीज यहाँ पे अभी तक हमने नया देखा। एक तो रामाचंद्रन प्लॉट। पहला रामाचंद्रन प्लॉट का खास बात क्या था कि इसने कोलाजन, कोलाजन एक फाइबर होता है ना, कोलाजन इज अ फाइबर, इसी से लिख देता हूँ, एक फाइबर है। इस फाइबर का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, एज एन हेलिकल यानी होता है कॉइल्ड, ट्रिपल क्वायरिंग। जैसे अगर तुम देखोगे कई बार दो तार होता ना, जो बिजली वाला तार वायर, वो ऐसे आपस में होता है, इस तरीके से वो सब आपस में ऐसे लिंक होता है ना। कई बार तीन होता है, तो तीन को कुछ ऐसा होगा, एक दो और तीन है ना, तो ये इस तरह से होगा, ऐसे करके, इस तरह से करके वो तीनों मतलब आपस में वो सब बांधा जाता है। तो ये हुआ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई जी एन रामाचंद्रन। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने ही एक चीज दिया था जिसका नाम रखा था उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट। एंड दिस रामाचंद्रन प्लॉट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कॉन्फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी तो आपको मैं ये समझा नहीं सकता कि इस कॉन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बट सिंपल आप ये याद रख सकते हो कि इनके हेल्प से आज हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट इज एक थोड़ा सा ये पॉइंट है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म की तरह। साइटोसोल किसको बोलते हैं, कुछ टर्म्स है ये, है ना, टर्मिनोलॉजी है ये, किसको क्या बोलते हैं। साइटोसोल बोलते हैं सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड ऑफ द सेल, है ना, दैट वी कॉल ए साइटोसोल। ठीक है, ये मान लो मेरा सेल है। आप सेल अगर ड्रॉ करते थे बेसिक, तो आपको याद होगा आप सेल के अंदर ऐसा एक न्यूक्लियस बनाते थे, और उस न्यूक्लियस में ऐसे डॉट 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 कुछ कुछ दिखाते थे कि हाँ कुछ है, खाली खोखला नहीं है। तो ये जो कुछ है ना, ये सिर्फ अगर कुछ का बात कर रहे हो, दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसी मैट्रिक्स के साथ साथ आप, इसी मैट्रिक्स के साथ साथ आप कुछ सेल ऑर्गेनल का बात कर रहे हो, मे बी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मे बी राइबोसोम्स हो गया, है ना, मे बी गॉल्गी अपैरेटस हो गया, है ना, इस तरह से। तो दिस साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, इसी साइटोप्लाज्म के साथ साथ अगर आप न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर दो, तब आप उसको बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। और देखो, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में फर्क होता है। प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, वाई प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो टोटल लिविंग स्ट्रक्चर इन अ सेल। टोटल लिविंग पार्ट ऑफ सेल या लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्योंकि सेल वॉल तो डेड होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट तक तो ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल के लिए अगर हम बात करें, तो उसमें प्रोटोप्लास्ट के अलावा एक सेल वॉल भी होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, इसमें नो इस साइड में सर, कोई कोई दिक्कत दिक्कत है नहीं। डन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया, डाई एटम्स, ये आप प्लांट बायोलॉजिकल क्लास सेक्शन में पढ़ चुके हो, डाई एटम्स, डेसमेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, देख लो ये सब यूनिसेलुलर है। यूग्लिना देखो कैसा दिखता है, यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ा था ना, यूग्लिना नाइदर, अगर मान लो लाइट है तो प्लांट की तरह एक्ट कर रहा है, लाइट नहीं है तो प्रीडेटर एज एन एनिमल की तरह एक्ट कर रहा है यूग्लिना। इसके अंदर भी पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल है, दैट आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ये यूग्लिना है। ये देखो अमीबा, देख रहे हो कोई शेप नहीं, अमीबा, ये सब सेल ऑर्गेनेल दिख रहा है उसका। पारामीशियम देखो कितने सारे इसके ऊपर वो है हेयर्स, देख रहे हो, सीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ देखो ये जो है वो फ्लैजिला है, देख रहे हो, ये सीलिया है और ये ईस्ट है। कोई दिक्कत इसमें से,
बोलते जाइएगा, चलो कोई दिक्कत हो सकता नहीं, ठीक है। नो, इसको एक बार पढ़ लो, आई गेस ये आपको पता है। सिक्स। नो कोई दिक्कत? सर, चलिए, ये डायग्राम देख लो। पहली बार एंटोन वॉन लियोनहुक ने अपने माइक्रोस्कोप से क्या क्या देखा था? WBCs देखा था, RBC देखा था, ईस्ट सेल देखा था, स्पर्म देखा था, बैक्टीरिया देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी आपको पता है, एक बार बस देख लीजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज यू। ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब, हाइपोथेसिस का मतलब हाइपोथेसिस का मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब ये डिस्कवर करे थे ना, तो उसका कोई प्रूफ नहीं। नहीं था, नहीं। ठीक है। और देख लो जल्दी जल्दी, ये सब कुछ क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, यस। ठीक सेल थ्योरी सेल थ्योरी ये नहीं बता रहा था नए सेल्स कैसे बनते हैं, है ना। देखते चलो, कहीं कोई दिक्कत तो बोल दोगे। चलिए लास्ट लाइन बताइए तो। ओमनी सेलुलाई सेलुला, यस सर। ये हम बताए थे। ये उन्होंने बोला था, जो रोडोल्फ वर्चौ है ना, उन्होंने ओमनी सेलुलाई सेलुला बोला था, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लिखवाए हैं तुम्हारे नोट्स में भी, देखना एक बार। ओमनी सेलुलाई सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। चलो यस। नेक्स्ट, पहला लाइन नोट वाला तुमको नहीं पता होगा, एक बार देख लो। मॉडर्न सेल थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल। सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल, ठीक नहीं बताया। है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ठीक सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है। ये सर बताएं प्रयोग। सब बता रहे हैं, एक बार पढ़ लो, बस हम पढ़ने बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज और वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल टू कीप इट इन लिविंग स्टेट। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम में डिफरेंस भी बताए थे। ये एस क्या होता है ये भी नहीं बताए, ये आगे बताएंगे, अभी बस यहां लिखा हुआ है, बस वो लिख लेना।
लिखना हाँ बिल्कुल, नोट में ही सब जाएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, पहले से लिखवाया हुआ भी है आई गेस, एक बार लेकिन इसको लिख भी लो। हो गया, नौ से 1 मिनट। डन। यस सर। बाकी लोग, हिमांशु तस्वीर यस सर, हो गया, हो गया सर, हो गया। चलिए डन। अब हम आपको थोड़ा सा ग्राम स्टेरिंग जिसपे बात हुआ था लास्ट क्लास में, उसको खत्म कर देते हैं, ग्राम स्टेरिंग वाला पार्ट बता के, और उसके बाद विल बिगिन इन टू दिस राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी ये सब ओके बताएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ग्राम स्ट्रिंग जान लेते हैं ना, ग्राम स्ट्रिंग कैसे होता है। डालिए हेडिंग, ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एक टर्म होता है बैक्टीरियल स्मियर। स्मियर किसको बोलते हैं पता है? स्मियर एज इन कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को आपने एक बार, जैसे मान लो इस हाथ पे बहुत सारा बैक्टीरिया है, आपने एक छोटा सा टूथपिक लिया या ईयरबड लिया, कुछ भी लिया, चुपचाप इसमें सटाया सिर्फ और निकाल लिया, उतने में ही इससे बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। उसके बाद आपने एक स्लाइड लिया, इस तरह का स्लाइड, तो बोलते हैं ग्लास स्लाइड। क्या बोलते हैं? ग्लास स्लाइड। ग्लास ग्लास का बना स्लाइड। होता है, इस पे ऐसे लगाया थोड़ा सा, जो से जो मेरे टूथपिक पे था इसको ऐसे सटाया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सटा दिया, और उसके बाद पानी लेकर इस पूरे को मिला दिया ऐसा। ठीक है, इस पूरे को मिला दिया पानी लेकर। अब जब इस पूरे को मिला देते हैं ना, तो ये एकदम, मतलब अब मान लो पानी की वजह से बैक्टीरिया पूरे में फैल गया है ना, इसको बोलते हैं स्मियर। अब इसको क्या बोलते हैं? स्मियर। खैर, हम लोग बैक्टीरियल स्मियर का ही बात करेंगे। ठीक स्मियर आप समझ चुके हो, देखिएगा आपके पास बैक्टीरियल स्मियर था, बैक्टीरियल स्मियर, उस बैक्टीरियल स्मियर में आप क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉलेट एक डाई है, डाई समझते हो क्या? एक तरह का रंग, नहीं बगल में देखना, बोल आप दिखाया था सर उसने। करना सर। ठीक है, रंग है, जैसे मान लो नील होता है ना, नील जो कपड़े में डालते हैं यस सर, जिससे कपड़ा थोड़ा सा यस नीला सर, हो जाएगा, व्हाइट है, तो वही चीज तरह का, ये भी एक डाई है ना, तो क्रिस्टल वॉलेट एक डाई है। इस डाई को जब बैक्टीरिया पे लगाते हैं ना, तो अब जो मेरा बैक्टीरिया वो कलर हो जाता है ना, पर्पल कलर। बैक्टीरिया इज कलर्ड। अब इस कलर्ड बैक्टीरिया में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, इसमें इसका रंग क्या हो जाता है? पिंक, ब्लूइश पर्पल, कैसा? पर्पल थोड़ा ब्लू। ब्लू ब्लू और पर्पल की तरह। उसके बाद इसको पानी में धो देते हैं, वॉश इन वॉटर। हाँ, इसको पानी से वाटर। धोते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको आयोडीन में धोते हैं।
है ना, पानी में धोने के बाद, व्हेन इट इज वॉश्ड इन वाटर, उसके बाद हम लोग उसको आयोडीन में धोते हैं। अब इसको बोलते हैं आयोडीन ट्रीटमेंट। हल्का सा पानी में धोने के बाद इसको आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो ट्रीट हो गया ना आयोडीन ट्रीटमेंट, उसके बाद ट्रीटेड या वॉश्ड विथ इथाइल अल्कोहल, उसके बाद फिर इसको इथाइल अल्कोहल में धोते हैं। इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन में। तो बैक्टीरियल स्मियर था, उसको पहले क्रिस्टल वॉलेट से कलर करे, उससे क्या हुआ सारा बैक्टीरिया जो हुआ ना ब्लूइश पर्पल हो गया। हल्का सा पानी में धो दिए ताकि ज्यादा एक्सेस डाई निकल जाए, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ, टू रिमूव एक्सेस डाई, एक्सेस जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आयोडीन से ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड, उसके बाद आयोडीन से ट्रीट करने के बाद ट्रीटेड या वॉश विथ या तो इथाइल अल्कोहल या तो एसीटोन। अब यहां से दो केस देखने को मिलता है ना। पहला रिमेन्स कलर्ड, कुछ बैक्टीरिया उसके बाद भी कलर आता है ना, एंड कुछ जो होता है वो नॉट कलर्ड। जो कलर्ड रहा ना उसको तो यहीं पे बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, जो कलर और जो नहीं रहा उसको बोलते नहीं हैं रहा ग्राम 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 नेगेटिव, नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यहीं पे हार नहीं मानते, है ना। फिर क्या करते हैं, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था ना इसको वापस से सेफ्रानिन से स्टेन करते हैं, है ना। स्टेन्ड विथ एक दूसरा डाई है, ये सर डाई का नाम है। हाँ ये भी डाई का नाम है, स्टेन्ड विथ सैफ्रानिन। उसके बाद क्या हो जाता है, ये बिकम्स पिंक इन कलर। सैफ्रानिन भी एक तरह का डाई है, देख देता हूँ ये भी क्या है, डाई। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत। बैक्टीरियल स्मियर, स्मियर क्या होता है आपको बता दिया था, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलाते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है ना, हाँ उससे बैक्टीरिया पर्पल कलर का हो जाता है। उसके बाद पानी में धोते हैं ताकि एक्सेस डाई निकल जाए, फिर आयोडीन से ट्रीट करते हैं। उसके बाद जो भी ट्रीटेड आया उसको वापस से इथाइल अल्कोहल या एसीटोन में याद बस धो देते हैं, ठीक है। धो देते हैं जो हाँ कलरफुल हो गए उससे जिसमें नेगेटिव कलर बच गया यानी जो अभी भी पर्पल है वो क्या है, वो पॉजिटिव और जो कलर जो पॉजिटिव सारा कलर छोड़ दिया उसको क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव। अब नेगेटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नेगेटिव दिखेगा कैसे, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए उसके बाद हम लोग फिर से एक और डाई यूज करते हैं सेफ्रानिन, और उस सेफ्रानिन से डाई करने के बाद वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। इतना सर प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ नो सर ठीक ये बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा इंक्लूजन बॉडी का। रिंग डालिए, इंक्लूजन बॉडी इंक्लूजन बॉडी। अच्छा वो लिख तो लिए थे ना पिछला स्लाइड, सारे लोग पिछला स्लाइड लिख लिए थे ना, ऐसा तो नहीं कि लिख ही नहीं पाए हो। चलो ठीक है, देखिए रिजर्व फूड इन प्रोकैरियोट। तो जल्दी लिखना, 5 मिनट के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा।
रिजल्ट कैसे? पूरे 5 मिनट के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा ओ और क्लास भी एंड, इसलिए फटाफट लिख लो। रिजर्व फूड इन प्रोकैरियोट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनक्लूजन बॉडीज, है ना। रिजर्व फूड इन प्रोकैरियोट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अभी बहुत तरह का होता है, बस एक और पॉइंट लिख लो। आर मेम्ब्रेनलेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, आर मेम्ब्रेनलेस सो लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गैस वैक्यूल, बहुत तरह के होते हैं ये, ठीक है। गैस वैक्यूल है ना, देखिएगा इसमें हेल्प इन प्रोवाइडिंग, हेल्प इन बायोएंसी, ये आप जानते हैं। बायोएंसी का मतलब क्या होता है? नहीं पता। बायोएंसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तैरने में मदद करना। आप लोग ये चीज देखे होंगे, 9th में पढ़ोगे बायोएंसी। आप मान लो कोई ट्यूब ये सब लेके पानी में जाओगे तो ट्यूब तैरता है ना, तो दैट इज बायोएंसी। पानी अपने ऊपर तैरने वाले चीजों पे ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज बायोएंसी। अब सोचो ना, तुम ही हवा भरा हुआ ट्यूब लेके जाओगे तो पानी में तैरोगे ना, क्योंकि तो वो तैरने में मदद करेगा पानी, है ना। तो एक तो गैस वैक्यूल हो गया, उसके अलावा और भी होता है, जैसे मान लो इसका जो रिजर्व फूड होता है, जैसे और लिख दे रहे हैं, बस बस लिख दे रहे हैं, उसका तो सिर्फ नाम ही जानना है। बी इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल, क्या लिख रहा हूं बेटा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा और ले लो, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स और ले सकते हो, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। क्या है ये ये सब फॉस्फेट को स्टोर करने वाला, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल साइनोफाइसी में होता है, ब्लूग्रीन एल्गा में होता है। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है प्लांट का, तो रिजर्व फूड के साथ साथ ये थोड़ा सा इधर भी होता है, प्रोकैरियोट साइड में भी होता है ना। अच्छा, एक और चीज, सॉरी, ग्लाइकोजन प्लांट का नहीं, एनिमल का रिजर्व फूड है। गैस वैक्यूल किसमें होगा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाउंड इन, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, फाउंड इन ब्लू एंड ग्रीन, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन ठीक है। तो इतने सारे बैक्टीरिया में मिलेगा, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है ये, है ना। आई गेस नाउ इट इज डन। एक और पॉइंट लिख देता हूं, ये लिख लिए, ठीक यस है। या एक मिनट बचा है, अब नहीं लिखता, है ना। एक हेडिंग बस डाल लो, एक हेडिंग डाल लो आज के लिए, है ना। राइबोसोम एंड पॉलीजोम, राइबोसोम एंड पॉलीजोम, पॉलीजोम
बस ये हेडिंग डाल लो, बाकी अगले क्लास में ये करके हम लोग यूकैरियोटिक सेल में इंटर कर जाएंगे। हमको अभी विनर्स डे को, क्या बेटा? हाँ टेस्ट विनर्स डे को टेस्ट होगा ना? होगा ठीक है।